सलमान के फार्म हाउस की रेकी करने वाला लॉरेंस गैंग का गुर्गा सुखा गिरफ्तार। दाढ़ी बढ़ाकर होटल में छिपा था। नवी मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में लॉरेंस गैंग का शूटर सुखा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को पुष्टि की कि सुखा को हरियाणा के पानीपत से पकड़ा गया है। नवी मुंबई लाए जाने के बाद उसे गुरुवार को एक अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि लॉरेंस गैंग का शूटर सुखा को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए नवी मुंबई की पनवेल सिटी पुलिस और पानीपत पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। वह होटल में छिपा हुआ था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी के साथ बाल बढ़ाए हुए थे। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक शूटर सुक्का के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वह उन आरोपियों में शामिल है जिसने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की थी और सलमान खान के फार्म हाउस पर हमला करने की साजिश का मुख्य आरोपी था। सुक्का को नवी मुंबई लाया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में शूटर ने बताया कि वह लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा है। इस पूछताछ में यह भी पता लगा है कि गैंग का नेटवर्क कई गांव में फैला हुआ है और इस काम में कई लड़के शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सुखा ने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे। चूँकि शूटर को पकड़ने के लिए लोकल पुलिस की मदद चाहिए थी तो वहाँ अधिकारियों की मदद से पानीपत पुलिस और मुंबई पुलिस की ज्वाइंट टीम ने कई अनाज मंडी कट के पास स्थित एक होटल में पहुंची। यहाँ रिसेप्शन पर पूछताछ की गई तो पता लगा कि शूटर शाम से होटल में ठहरा है और वह नशे में धुत था। रिपोर्ट के मुताबिक सही से नाम भी नहीं बता पा रहा था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में फोटो से शूटर का मिलान नहीं हुआ लेकिन डॉक्यूमेंट से उसकी पहचान की गई। बताया जा रहा है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए बदमाश ने दाढ़ी और बाल बढ़ाए हुए थे। जून में पुलिस को पनवेल में उनके फार्म हाउस के पास एक्टर को निशाना बनाने की योजना का पता चला था। यह घटना अप्रैल में सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना के बाद हुई। बता दें कि सलमान खान ने इस मामले में दायर चार्जशीट में कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके घर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस विश्रोही गैंग का हाथ है जो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारना चाहता है। एक्टर का ये बयान मुंबई पुलिस द्वारा अदालत में दायर चार्जशीट में दर्ज है। उन्होंने यह भी बताया था कि इसी साल जनवरी में फर्जी पहचान वाले 2 अज्ञात शख्स उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर जबरन घुसने की कोशिश की थी। बता दें कि साल 2022 में उनकी बिल्डिंग के बाहर उनके पिता को धमकी भरा एक पत्र भी मिला था और साल 2023 में लॉरेंस विश्रोही गैंग की तरफ से एक धमकी भरा ईमेल मिला था। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस विश्रोही और संपत महोया गैंग के करीब 60-70 सदस्य खान पर नजर रख रहे थे। उन्होंने उनके बांद्रा वाले घर से लेकर पनवेल फार्म हाउस फिल्म की शूटिंग वगैरह पर भी नजर रखी थी। साजिश को लेकर मिली खास जानकारी के बाद 24 अप्रैल के पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।